जी बोलो नमस्ते नमस्ते, हम आएंगे। और ठीक है दद्दा, कैसी है तबीयत? नहीं सुनाई। अच्छा दद्दा की तबीयत ठीक? दादी से बात। हाँ दादी, वह दादी ठीक है? दादी का तो दिखा था दुर्चीना थी दादी। हाँ दादी जाना। हाँ दादी तो आई नहीं शादी में, आई नहीं ना दादी, आई नहीं शादी में। तो मेरा खाना बन चुका है और आप लोगों को मैं बता दूं कि एक खुशी की बात, आज मैं अपनी दादी को, जो मेरी दादी हैं है ना, तो मैं अपनी दादी को आज वीडियो कॉलिंग में, मतलब 2015 में उनके पास गई थी और आज से अभी देखूंगी मैं। फ़ोन में बात एक ही दो बार हुई है, शादी में आई थी मेरी, पर मतलब दूर रहती हैं वो, तो मेरे माँ पिताजी गए हैं पूजा पाठ में, है ना, कोई पूजा होगी तो वहाँ पे वो मम्मी ने कहा कि मेरी याद आ रही है उनको, और जैसे ट्रांसप्लांट हुआ कोई भी बातचीत ऐसी नहीं हुई थी, पर आज तो अभी हम जा रहे हैं, जो दूसरा वाला फ़ोन होगा उससे हम वीडियो बनाएंगे और देखते हैं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, आप लोग को ही बताएंगे। बहुत खुशी हो रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ, चावल चढ़ा दिया, रोटियाँ सेक ली, सब्जी बन गई है, फिर मिलते हैं। चलो क्रीम व्रीम लगवा लो ना। हाँ दद्दा बोला दद्दा हाँ वो दादाजी बोलो नमस्ते नमस्ते, हम आएंगे, बोलो हम आएंगे। अरे वो तो अभी चला जाता, पर छुट्टी नहीं थी ना। बोलो नाना जी आप क्या कर रहे हो? नाना जी आप क्या कर रहे हो? इधर आओ, पापा को बुला दीजा, पापा को बुला देना, पापा बोलो आप भी आ जाओ। हाँ जल्दी आओ, दद्दा को नहीं देखे थे ना तुमने, जल्दी आओ। नमस्ते। और ठीक है दादा? और ठीक है दद्दा, कैसी है तबीयत? नहीं सुनाई। अच्छा दद्दा की तबीयत ठीक? दादी से बात। हाँ दादी, और दादी ठीक है? दादी का तो दिखा था दुर्चीना थी दादी। हाँ दादी जाना। हाँ दादी तो आई नहीं शादी में, आई नहीं ना दादी, आई नहीं शादी में। नहीं नहीं ठीक है, आए हमें कद बार अब आए आप लोगों से मिल भी। ठीक है। हाँ अभी हम दोबारा लगा रहे हैं तो दोबारा।
शिव ने टॉयलेट कर दी और ठंड है तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मुझे फिर अजीब सा लग रहा था। अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, खाना मैंने खाया नहीं था। और मेरी दादी को ना मैंने करीब वो बरसों बाद देखा इस तरीके से फेस टू फेस। मैं 2015 या 16 में गई थी उनके पास और उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन नहीं है और जो मेरी माँ गई थी तो उन्होंने भी अभी फ़ोन लिया है। इस तरीके से हमारी बात हुई। मेरी मम्मी पापा लोग वैसे पापा तो जाते ही रहते हैं, मतलब साल में 4-5 बार 6 बार वो आते हैं। अब आप लोग सोचेंगे आरती ने कभी पहले जिक्र नहीं किया, तो ऐसा कभी हमारी कोई बात ही नहीं हुई। एक बात बताऊँ, मैं जब से ट्रांसप्लांट हुआ था ना उसके बाद तो फिर अभी मैंने दीप जब अपने घर गई थी ना काय में गई थी तब लगाई थी, जून में लगाई थी, तो तब उनसे मेरी बात हुई थी। और जब मेरे मम्मी पापा वहाँ पे गए तो मेरी दादी ने बोला कि देखना है करके, पता सबको है पूरी फैमिली मेम्बर्स को जो भी है। तो फिर जब देव हुआ था तब भी उन्होंने देखा था, मेरी शादी में वो आई थी 2018 में, जब से आज तक भी ना मैंने उनको देखा था ना हमने। अब सोच ली 2024 ही है, कुछ दिन बाद तो और है। तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरे दादाजी हैं तो क्या कहते हैं उनको ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो उनको भी देखा बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि कितना ज़्यादा चेंज हो गया, सच में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और ना मुझे उनसे बात करने में एक अलग ही खुशी थी, और कहना चाहिए कि बहुत दिनों बाद मेरे चेहरे में इतनी स्माइल आई थी। और कहते हैं जब अपने लोग आपसे कुछ 2 मिनट भी बहुत अच्छे से बात करते तो बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि वो लोग गाँव में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो वो बुला भी नहीं थी कि आ जाओ यहीं पे आ जाओ, बहुत बार बुलाया है। पर अभी मैं आप लोग को बता दूँ, फिर उसके बाद ना वीडियो कॉलिंग से बहुत सारा वहाँ का माहौल दिखा, इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि जैसे मैं वहाँ पर हूँ, होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बहुत सारी बातें की और फिर मैंने बोला क्या है कैसा है वहाँ पर, ठंड की नहीं है और भी चीज़ें हैं। तो चलिए, और अभी आगे भी आप लोग कुछ चीज़ें बतानी है। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी दादी के लिए भी कुछ साड़ियाँ लेकर रखी हुई हैं जो कि मैं उनको दूंगी, जाऊंगी कब ये नहीं बता सकती, पर उनके लिए ली थी है ना। और ये मेरी मम्मी और पापा के जाने का बहुत दिनों से प्लान चल रहा था कि वहाँ पर वो लोग जाएंगे, पर और मैंने जो मैंने साड़ी उनके लिए ली थी, अपनी दादी के लिए ली थी, तो मेरी मम्मी वो मतलब थोड़े दिनों बाद डिलीवर मुझे हुई। पर कोई बात नहीं, जब होगा हम जब उनको दे देंगे और या फिर मम्मी के यहाँ रख देंगे, मेरे पिताजी 1-2 महीने 3 महीने में जाते रहते तो उनको दे देंगे। सो आज हमारा यही था। और दादाजी मुझसे बोल रहे थे कि जैकेट भी हमको चाहिए है, मतलब वो देखिए वो लोग अब कौन है ना, तो इसलिए नाती पोते से ही सब लोग बोलते हैं। तो चलिए हम आगे आप लोग को बताते हैं कौन सी साड़ी ली है। आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और जल्दी मिलते हैं। तो अभी मैंने खाना पीना खा चुका है और मैं आप लोग को बता दूं कि हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। और जब मुझे अभी मम्मी जब आई थी ना, मैंने अब लड्डू बनवा के तब उन्होंने बताया था हम वहाँ जा रहे, तो तभी मैंने ऑर्डर कर दी थी। पर उनको ना बिल्कुल पतली चाहिए थी साड़ियाँ, और जब पर ये जब तक आई नहीं थी, अब जाके आई है। पर कोई बात नहीं, जब मेरे पेरेंट्स जाएंगे जब उनको दे देंगे है ना। तो हम सभी के लिए मंगाते और आज पहली बार मैं उनको कुछ दे रही हूँ। तो ये मैंने उनके लिए साड़ियाँ मंगवाई थी, ये देखो है ना। और ऐसी साड़ी उनको पसंद आती हैं क्योंकि ना उनको पतली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने उनके हिसाब से ये मंगाई है, ग्रीन कलर की साड़ी ये। अब ये बिल्कुल पतली है ना। अब वो ओल्ड एज है, मतलब वो 70 या 75-80 इतने की हैं वो है ना। ये इसका ब्लाउज पीस है इस कलर का, एक ये मैंने मंगाई है। और सारे लिंक अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर मुझे लगा तो आज ही ये ब्लॉग डालूंगी, नहीं लगा तो कल को डालूंगी है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने लिए देखी ये नाइट सूट मंगाया है एक, ये बहुत सुंदर बहुत कंफर्टेबल। तो ये ना जो इसकी ये टॉप टाइप का है ना, ये टॉप है हमारा, एक मिनट ये देखिए ये टॉप है और इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए। तो ये टी शर्ट के हिसाब से काफी अच्छा है ना, और हम इसे जीन्स में ही वियर कर सकते हैं। यानी नीचे का लोअर दिया जाएगा, ये देखो
ये भी काफी अच्छा है और ये मोटा है, एक मेरे ख्याल से नहीं विंटर के लिए ही है, ये फुल स्लीव्स वाला विंटर के हिसाब से ही है, तो ये मैंने अपने पहनने के लिए मंगवाया है। एंड थर्ड चीज, मैंने इसके एवर विथ के स्क्रब एंड गोल्डन जो आता है ना नेचुरल पिल ऑफ मास्क, ये मैंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो इस बार मैंने ये बहुत सारे पैकेट मंगाए, अभी आप लोग को दिखाऊंगी बाद में। तो ये अभी आपको दो डेमो के लिए बता रही हूँ, तो उसके मैंने इकट्ठा पाउच मंगाए हैं। मैं पता ट्यूब वगैरह मुझे सही नहीं समझ में आया, मैंने कहा एक बार ही यूज़ करो, इससे क्या होगा कि हमें ये अंदाजा रहेगा कि हमें इतना ही यूज़ करना है। तो ये स्क्रब है एंड ये पिल ऑफ मास्क है एवर यूथ का गोल्डन ग्लो। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए ये साड़ी मंगाई है, ये देखो इसका ना ब्लाउज पीस भी सिला चुकी हूँ मैं, उसके बाद आप लोग को बता रही हूँ, ये देखो बहुत सुंदर है, हम देखेंगे इसको हम कब वेयर करने वाले हैं कब नहीं करने वाले हैं, ये देखो बहुत अच्छी है और ये जॉर्जेट में है ना। अभी हम सबको रख देते हैं साइड में। अच्छा मैंने एक साड़ी और ये मंगाई है, ये भी पतली है, ये ब्लू एंड ये येलो है, तो ये भी काफ़ी उनको मुझे लगता है पसंद आने वाली है। और भी चीज़ें अब मैं सोची हूँ कि उनके लिए बाय करूँगी, और बहुत अच्छा लगा, दिल एकदम खुश हो गया था, गार्डन गार्डन हो गया था। आपको तो पहले पता था ना मैं खुद मायके जाती थी ना मायके में, और फिर पहले मेरे हालात भी ऐसे नहीं थे, तो एक ये साड़ी है उनके लिए। तो चलिए आज का अमेज़ॉन हॉल वीडियो हम करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना, और आज मैंने ये बैंड लगाया हुआ है ये देखो, एकदम बच्चों टाइप का, स्कूल जब जाती थी ना लगा के, मेरे और भी इतने छोटे छोटे बाल थे, मुझे कभी बाल बड़े रखने अच्छे ही नहीं लगे, तो मैं और उसके बाद इतने ऐसे ही रेड कलर का बैंड लगा के जाती थी। चलिए बाय बाय।